हटाएंगे तो ये यहां जाएगा मल्टीप्लाई में, जाएगा कि नहीं जाएगा बोलो। ठीक है, यानी 6 इंटू एम बराबर एन, एन प्लस वन टू एन प्लस वन। ठीक है, यानी ये 6 का मल्टीपल तो पक्का होगा, ये पक्का 6 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। तो देखो which one of the following is necessarily false, क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना पड़ता है। अन्वय आप सही करके भी गलत कर दिए हैं, आपने फॉल्स वर्ड को नहीं पढ़ा था ना, सच बताइए फॉल्स वर्ड को नहीं पढ़ा था ना आपने। हाँ, उसके अलावा आपसे दूसरी मिस्टेक क्या हुई कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा, सिचुएशन को रियलाइज किया, थोड़ा सा केयरलेस हो गए यहाँ पे कि आपने देखा सबसे लंबा ऑप्शन है तो यही होना चाहिए, ऐसा कोई फीलिंग आया था, हल्का सा दुल्ला सा स्लाइट सा कोई फीलिंग आया था कि ये सबसे लंबा ऑप्शन है तो यही होना चाहिए। बोलो, कैट है हलवा थोड़ी है, हैं? नहीं बता रहे हो, बीइंग ऑनेस्ट इज ओके, बट हंसी क्यों आ रही है बे, सामने होते ना बता रहे हैं, झापड़ लगाते तुमको। तो इट इज ऑलवेज इवन, यस, क्योंकि 6 का मल्टीपल है। डिविजिबल बाय 3, यस, क्योंकि 6 का मल्टीपल है। ऑलवेज डिविजिबल बाय द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, यस, क्योंकि ये तो है ही, ये जो हमने यहाँ पे काट के m किया है, ये m क्या है, ये m ये है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, यस। तो ये तीनों सही है तो फॉल्स कौन है, ये नेवर डिविजिबल बाय 237, क्यों हम ये क्या कहते हैं 237 क्यों नहीं हो सकता, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, n का वैल्यू ही हम 237 रख दें तो हो जाएगा, n ही को हम 237 रख दें तो क्यों नहीं होगा, हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए नेवर डिविजिबल बाय 237 गलत है, तो यही ऑप्शन मेरा हो जाएगा। ओके, तो वी हैव टू बी केयरफुल। और कहो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज खराब थी, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ थी, डिफिकल्ट थी, समझ नहीं आई, क्या ऐसा कुछ हुआ, एनीथिंग लाइक दैट?